हेलो दोस्तों, ये मेरे प्रॉपर्टी सेलिंग टिप्स के वीडियो का तीसरा पार्ट है। इससे पहले मैंने दो पार्ट बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि अगर आपको आपकी प्रॉपर्टी बेचनी है तो आपका क्या इंटेंशन होना चाहिए। दूसरे पार्ट में मैंने बताया है कि आपकी प्रॉपर्टी का सही प्राइस कैसे पता करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तीन टिप्स कि किस तरीके से आप अपनी प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ा सकते हो और आप जो प्राइस एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा प्राइस आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको इस वीडियो के टिप्स पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आप पूना में प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करना। तो दोस्तों, पहली टिप है कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो और अगर अपनी प्रॉपर्टी अगर आपने रेंट पर दी हुई है तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आपके टेनेंट को खाली करना पड़ेगा। क्या होता है दोस्तों कि लोगों को एक लालच होती है कि जब तक मेरा फ्लैट बिक जाए तब तक मुझे जितना रेंट आ रहा है उतना मेरा फायदा है। लेकिन दोस्तों, क्या होता है कि आप जब भी किसी कस्टमर को अपना फ्लैट दिखाने जाते हो और अगर वहां पर टेनेंट है तो शायद एक या दो बार तो वो अलाउ कर देगा, लेकिन उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। उसको भी पसंद नहीं आता है कि वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा है, उसकी जो प्राइवेसी है वो बार बार डिस्टर्ब हो रही है, वो अपना वीकेंड एंजॉय कर रहा है और कोई ना कोई आ जाता है उसकी प्रॉपर्टी देखने के लिए। तो दोस्तों, फिर क्या होता है कि फिर वो आपके जो बायर्स आते हैं, जो पोटेंशियल बायर्स आते हैं, उनको फिर वो कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें बता सकता है कि यार यहाँ पर तो पानी का प्रॉब्लम है, यहाँ पर सोसाइटी प्रॉपरली मेंटेन नहीं है, यहाँ पर लीकेजेस का इशू आ सकता है। और दोस्तों, आप सोच रहे हो कि यार आज 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, अभी तक मेरी प्रॉपर्टी बिक क्यों नहीं रही है। दोस्तों, दूसरा टिप है और इस टिप में थोड़ा सा खर्चा आपको करना पड़ेगा। दोस्तों, क्या है कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू अगर आपको बढ़ानी है, अगर आप चाहते हो कि आप आपकी प्रॉपर्टी से 3 लाख 5 लाख रुपए ज़्यादा कमाओ, तो आपको 1 से 1.5 लाख का आपको खर्चा करना पड़ेगा। आप क्या करिए दोस्तों कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको प्रॉपरली व्हाइट वॉश करवाइए, व्हाइट कलर का आप पेंट करवाइए आपकी प्रॉपर्टी। आपका जो लिविंग रूम है उसमें आप एक या दो आप अलग से मिरर्स लगा दीजिए, एक छोटा सा प्लांट लगा सकते हो, सारी की सारी लाइट्स, ट्यूबलाइट्स, पंखे को चेंज करने पड़ेंगे। अगर आपके घर की जो टाइल्स हैं, जो किचन की टाइल्स होती है, बाथरूम की टाइल्स होती है, वो बहुत सालों के बाद गंदी हो जाती है, उसको आप या तो एसिड वॉश करवाइए या तो अगर ज़रूरत है तो फिर आप नई टाइल्स लगवाइए। एक कंपनी है पेपर फ्राई के नाम से, आप वहाँ पर जाके आप रेडीमेड फर्नीचर आप खरीद कर आपके फ्लैट में आप डाल सकते हो। आपको ज़्यादा बहुत ही महंगा फर्नीचर आपको नहीं खरीदना है, आप बी या सी कैटेगरी का या तो बी और सी के बीच वाला कैटेगरी का फर्नीचर आप लेकर आप अपने फ्लैट में डाल सकते हो। उसका खर्चा हार्डली 70-80,000 तक आपको आएगा और जब अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे तो आप उसको फर्निश फ्लैट करके भी बेच सकते हो, तो उसका आपको अलग से प्रॉफिट मिल सकता है। और दोस्तों, उसके अलावा आपको क्या करना है कि आप जब भी किसी क्लाइंट को आपकी प्रॉपर्टी दिखाने जाते हो तो हमेशा सारे ट्यूबलाइट्स, पंखे आपको सारे के सारे आपको ऑन कर देना है, उससे आपकी प्रॉपर्टी का पूरा लुक चेंज हो जाता है। और दोस्तों, इसके साथ आपका जो क्लाइंट है जब वो आने वाला है विजिट के लिए, उससे थोड़े टाइम पहले आपके पूरे फ्लैट में आप एक रूम फ्रेशनर आप मार दीजिए, लाइम का या रोज का लाइट वाला मारना है आपको, ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाला आपको नहीं यूज करना है, उससे आपके प्रॉपर्टी का पूरा एक फील चेंज हो जाएगा। आपकी जो बालकनी है आप उसमें 2 से 3 आप प्लांट्स रख सकते हो, जिससे एक बहुत ही फ्रेश फील आता है आपके फ्लैट में। इतने सारे चेंजेस करने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद आपका प्रॉपर्टी बेचने का विचार आप चेंज कर दे, हो सकता है कि आप सोचे कि भाई इसमें तो रेंट ही अच्छा मिल जाएगा तो फिर इसको बेचना क्यों है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कई लोग इस चीज का बिजनेस भी करते हैं, कई लोग ऐसे बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टीज है या तो फिर ऐसा कोई डिस्ट्रेस सेल है या तो फिर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है जिसका बहुत ही शेवी लुक है, उसको बहुत ही कम प्राइस में खरीदते हैं और उसको प्रॉपरली रिनोवेट करके ज्यादा प्राइस में उसको सेल करते हैं। अगर आप चाहो तो आप ये बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। मेरे पास ऐसे इंटीरियर डिजाइनर्स हैं कि जो आपकी प्रॉपर्टी का लुक बहुत ही कम दामों में पूरा का पूरा चेंज कर देंगे। और दोस्तों, मैं आपको देता हूं तीसरी टिप। दोस्तों, कभी भी अगर आप अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हो तो आप अपनी प्रॉपर्टी बहुत सारे ब्रोकर्स को मत दीजिए। दोस्तों, मैं खुद भी एक ब्रोकर हूं और मुझे पता है कि कभी भी अगर कोई प्रॉपर्टी बहुत सारे ब्रोकर्स के पास होती है तो जो प्रीमियम ब्रोकर्स है उस पर काम नहीं करते। आप अपनी प्रॉपर्टी एक या दो ट्रस्टेड ब्रोकर्स को ही दीजिए और आप उनको डेडलाइन दे सकते हो कि अगर आपने मेरी प्रॉपर्टी 3 महीने में बिकवा के दी तो मैं आपको एक्स्ट्रा 0.5% कमीशन दूंगा। 1.5% या 2% का कमीशन अगर आप देते हो तो वो फिर अपने नेटवर्क के अंदर भी वो प्रॉपर्टी मार्केटिंग करेगा, वो अपना कमीशन दूसरे ब्रोकर के साथ शेयर करेगा, तो वो अपने नेटवर्क में वो प्रॉपर्टी को बेच सकता है। अगर आप ज्यादा कमीशन ऑफर करते हो दोस्तों तो उससे आपकी प्रॉपर्टी ज्यादा प्राइस में बिकने के चांसेस हैं और जल्दी बिकने के चांसेस हैं। दोस्तों, मैं एक पॉइंट बताना भूल गया कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी सेल में डाली हुई है तो कभी भी अपनी प्रॉपर्टी रात को मत दिखाइए किसी क्लाइंट को, क्योंकि किसी भी प्रॉपर्टी में जो नेचुरल लाइट आती है उससे आपकी प्रॉपर्टी का लुक बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन रात के टाइम पर वो पूरा का पूरा लुक चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे तीनों वीडियोस पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप पूना में प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट जरूर करना। शुक्रिया दोस्तों।